हॉटवेल किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली पोटैटो। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और जिसे मैंने छील के पानी में डाल दिया था। और अब हम इसके पहले पीसेस कट करते हैं फिंगर फ्राइज की तरह। ये देखिए, पहले हम इसके साइड से जो अनइवन पार्ट है उसे निकाल देंगे। और उसके बाद ये देखिए, इस तरह से इसको हाफ पीस करके और फिर इस तरह से इसके पीसेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके पीसेस करने हैं हमें, और साथ साथ इसे हमें पानी में डाल देना है। ये देखिए, इस तरह से। तो चलिए बाकी सारे आलू को हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे आलू को इस तरह से कट कर लिया है। और चलिए अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए, एक कढ़ाई में मैंने पानी 4-5 कप मैंने पानी डाल के उसे बॉईल करने के लिए रख दिया था। और पानी देखिए बॉईल होना शुरू हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक। इसके बाद इसमें डालेंगे हम ये कट किए हुए पोटैटोस। और इसको अब हम अच्छा सा एक बॉईल आने देते हैं। इसको हमें 50 से 60% ही पकाना है, बाकी इसे हम बाद में फ्राई करेंगे। ये देखिए, आलू हमारे 50% पक चुके हैं। और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसका सारा पानी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखिए, सारे आलू बॉईल हो चुके हैं। और चलिए अब हम इसपे, ये देखिए, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच है ये मैदा। और इसको अब हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। इसकी कोटिंग कर लेंगे हम अच्छे से। ये देखिए, इसकी कोटिंग हो चुकी है। और चलिए अब इसके लिए एक हम बैटर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए लिया है मैंने आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर और बिल्कुल आधा चम्मच नमक। अब इनको हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करना है ताकि इसकी कोटिंग चढ़ सके उसके ऊपर। पतला नहीं करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। चलिए अब हम एक एक करके आलू इसमें डिप करके और इस तरह से, ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था। और एक एक करके हम इसको इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम इसे पहले हल्का फ्राई करेंगे, फिर इसे हम निकालेंगे, उसके बाद फिर रीफ्राई करेंगे दोबारा से। ये देखिए, इसे बस हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना ही अभी हम पहले इसे फ्राई करके निकाल लेते हैं, बाद में इसे हम रीफ्राई करेंगे। तो चलिए बाकी के जितने फ्राइज हैं उनको हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे फिंगर को फ्राई कर लिया है। और अगर कोई इसमें से चिपक भी जाए तो टेंशन मत लीजिए, इसको इस तरह से हम आराम से निकाल देंगे। और इसको अब हम 2-4 मिनट के लिए इस तरह से थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको रीफ्राई करेंगे। ये
अब मैंने दोबारा से तेल गरम कर लिया है और ये देखिए तेल गरम हो चुका है और अब हम इसको दोबारा से रीफ्राई करेंगे। देखिए कितना क्रिस्प बना है। तो चलिए बाकी के भी हम फ्राइज कर लेते हैं इनको। ये देखिए इन सबको मैंने फ्राई कर लिया है और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए। तो चलिए अब इसके लिए हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया इसमें और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। और इसके साथ इसमें डाल देंगे हम ये बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इस टाइम हमें आंच को तेज ही रखना है क्योंकि अब सारी कुकिंग तेज आंच पर ही होगी। अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये स्लिट की हुई हरी मिर्चें और ये बारीक कटा हुआ अदरक। इसको भी हम हल्का सा पका लेंगे। और अब डाल देंगे इसमें हम एक छोटा छोटे साइज का मैंने शिमला मिर्च लिया था उसको इस तरह से लंबे लंबे मैंने कट कर लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इसको बिल्कुल हल्का देखकर सिर्फ कच्चा भी हमें निकालना है, ज़्यादा नहीं, इसे ओवर कुक नहीं करना है। इसे हल्का सा इसमें क्रंच रहना चाहिए। देखिए अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा छोटे साइज का मैंने प्याज लिया था और उसे इस तरह से मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप हिसाब से ही डालिएगा क्योंकि हमने जब इसके फिंगर फ्राइज को फ्राई किया था हमने उसमें भी डाला था। देखिए अब इस टाइम इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी चीनी। चीनी इसके टेस्ट को बैलेंस करती है। और इसी के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे ये थोड़ा सा आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखापन पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक चम्मच के करीब इसमें डाला है हमने तिल, इनके सिसमे सीड्स, ये रोस्टेड किए हुए हैं। और अब हम इस टाइम डालेंगे इसमें
एक आधा बड़ा चम्मच सॉस, इसको हम भून लेंगे अच्छे से। इसी के साथ साथ इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच, इसमें डाला है मैंने रेड चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, और इसी के साथ साथ इसमें मैं डालूंगी आधा कप पानी। और इसको अब हम थोड़ा सा पका लेंगे। चलिए जब तक इसमें एक बॉईल आ रहा है तब तक हम, ये देखिए एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर, और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पानी, और इसका एक पतला सा स्लरी तैयार कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसके साथ साथ इसमें ये एक एक चम्मच इसको डालते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे इस तरह से, देखिए। देखिए डालते ही कैसे ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और एक चम्मच और डाल देंगे। देखिए सॉस बन के तैयार है। ये अब इसी टाइम हम इसमें फ्राई किए हुए अपने इंग्लिश फ्राइज डाल देंगे, और इसको इस तरह से इसमें अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमारे चिली पोटैटो बन के तैयार है। और इस टाइम मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी हरा धनिया, आप इस टाइम अगर चाहें तो इसमें हरा प्याज भी डाल सकते हैं, स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं कट करके। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, हमारा पोटैटो चिली तैयार है। ये देखिए सर्व करने से पहले इसमें अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, यानी कि हनी। अगर आपको हनी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हनी को डालने के बाद, शहद को डालने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और चलिए इसे हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे हरा धनिया और सिसमे सीड के साथ इसे गार्निश कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।